हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। भारत आईटीआई जॉब में रोजगार अड्डा, देश के सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल जॉब अपडेट और भरोसेमंद चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं, ये जो वैकेंसी निकल के आई है, किस डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकल के आई है और कौन कौन एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। ये हायर एजुकेशन के लिए वैकेंसी निकल के आई है, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट वैकेंसी निकल के आई है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, लेकिन आईटीआई और 10th 12th नॉट फॉर एलिजिबल। सबसे पहली बात यही जानो कि आप लोग वीडियो अगर देख रहे हो तो वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है। यहाँ पे जो भी भर्ती निकल के आई है हायर एजुकेशन का, मतलब डिप्लोमा बीएससी एमएससी की है, वही लोग के लिए यहाँ पे भर्ती निकल के आई है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है, इसी को शॉर्ट में ना एनआईसी बोला जाता है, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, ठीक ना। अब देखो मैं डायरेक्टली चलता हूँ मुद्दा पे, देखो पोस्ट क्या क्या रहने वाला, यही सब जैसे कि रिसर्च डेवलपमेंट हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, या कंस्ट्रक्शन टू गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट हो गया, ये देख रहे हो ना, इम्प्लीमेशन ऑफ मतलब कि ये नेशनल एंड स्टेट लेवल जो होता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जो भी काम होता है ना वहाँ पे आप लोग को काम करना होगा, सेटिंग अप आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यही सब आप लोग का पद रहने वाला, ओके यही सब आप लोग का काम भी रहेगा। और अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे, स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पे जो भर्ती निकल के आई है कहाँ पे हमको पोस्टिंग करेगा, प्लस पोस्टिंग अक्रॉस इंडिया आप लोग को कहीं भी आप लोग को भेज सकता है, जहाँ भी इसका खाली होगा, जहाँ भी काम चल रहा है वहाँ पे आप लोग को भेज दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो भर्ती निकल के आई है कौन कौन पद के लिए, देख रहे हो ना बेहतरीन पद है आप लोग का, देखिए ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए लेवल 10, देख लो यहाँ पे नॉन गेजेटेड मतलब ग्रुप ए गेजेट में आप लोग का रहिएगा, ओके देख लो लेवल 10 का सैलरी मिलेगा 56,100 से लेकर 177,500 के बीच में आप लोग का सैलरी रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि हायर पद है तो हायर पद के लिए आप लोग का हायर पैसा भी पैकेज भी आप लोग को दिया जाता है। तो देखिए टोटल सीट 71 है, इसमें सिर्फ मतलब साइंटिस्ट बी में, ठीक ना, यहाँ पे आप लोग का जो ग्रुप बी आप लोग का ये समझो पद है आप लोग का, इस पर कैटेगरीज बांटा गया है कि 7, 10, 5, 19, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ओबीसी के लिए कितना है, सीएसटी के लिए, ओबीसी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए कितना है, मैं इसका अप्लाई लिंक नोटिफिकेशन लिंक मैं नीचे अवेलेबल कर दूंगा वीडियो के नीचे, ठीक है। सबसे पहली बात ना आप लोग जल्द मतलब जैसे इसमें टाइम कम है, ठीक ना, तो आप लोग जल्द से जल्द इसको कोशिश करना फिलअप करने के लिए। मैं वो चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को, जैसे आप लोग मैं ये पहले बता देता हूँ, उसके बाद से जैसे नीचे आइएगा तो ऑफिसर इंजीनियर एसबी के लिए निकला है, ठीक ना। यहाँ पे ग्रुप बी आप लोग गेजेट में रहिएगा, लेवल 7 का सैलरी आएगा 44,900 से लेकर 142,400 के बीच में आप लोग का सैलरी रहने वाला, मतलब 44,900 रुपया आप लोग का ये मेन हो गया, बेसिक हो गया। उसके बाद से 8-10,000 और भी जोड़ लो अलाउंसेस, जो भी आप लोग को सरकार पे करेगी, TA DA HRA अदर अलाउंसेस जो भी है फलाटे कर आप लोगों को पता ही है। अब आइए जैसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर जैसे कि साइंटिफिक, ठीक ना, टेक्निकल के लिए यहाँ पर असिस्टेंट ए के लिए नॉन ग्रेजुएटेड में लेवल 6 का आप लोग का सैलरी ग्रुप बी में आप लोग को रहिएगा, ठीक ना। असिस्टेंट ए आप लोग का नाम रहे साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए, ठीक है। वहाँ पर जो यहाँ पर जो वैकेंसी निकल के आई है, देखिए सबसे ज़्यादा सीट ना यहीं पे है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे 71 है, 196 यहाँ पे है, ठीक है। साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर के लिए यहाँ पे 196 है, लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट के लिए देखिए कितना निकाला है, 331 सीट यहाँ पे है, तो आप लोग जोड़ लीजिए 71, 196 और 331, ठीक है। कैटेगरी में आप लोग देख लेना कि भैया मेरे लिए कितना सीट निकल के आई है, हमें कितना में फाइट करना है, ठीक है। आप देखिए नीचे आइएगा तो यहाँ पे सेंटर यहाँ पर बोला गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन फॉर साइंटिफिक बी के लिए देखो साफ साफ यहाँ पर लिखा गया ए पास इन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री टेक्नोलॉजी यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रोडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स बी लेवल एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इंजीनियर ये सब चीज़ आप ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मास्टर डिग्री इन साइंस एमएससी मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फार्मासिस्ट मतलब यहाँ पे जो लिखा गया पूरा डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं पढ़ूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, 26 पेज में दिया गया यार। उसके बाद से नीचे आओगे जैसे कि फील्ड इंजीनियरिंग से कॉम्बिनेशन, ठीक ना, तो यहाँ पे जो पद है आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा गया, कम्युनिकेशन से कंप्यूटर साइंस से की हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से की हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से की हो कंप्यूटर मैनेजमेंट साइबर लॉ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पे तो
आप लोग एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। नेटवर्किंग, सेक्रेटरी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर मैनेजमेंट, साइबर लॉ, ये सब चीज़ आप लोग अगर किए हैं ना एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। अब जैसे नीचे आओगे फोर साइंटिफिक ऑफिसर SB के लिए, तो यहाँ पर भी बोला गया ए पास इन MSc, MS, MCA, BTech, ये सब चीज़ें अगर आप लोग किए हो ना कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म को भर सकते हो। मैं पहले ही बताया था आप लोगों के लिए कि यहाँ पे हायर पद मांगा गया, सैलरी अच्छा खासा है, तो भैया यहाँ पे हायर पद मांगा गया। सबसे बड़ी बात पता है क्या, यहाँ पे गुड न्यूज़, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पे नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फील्ड इंजीनियरिंग जैसे कॉम्बिनेशन से के लिए यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा गया, ठीक ना, कंप्यूटर किए हो मतलब BTech वीटेक किए हो एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। आप देखो यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया कि भैया मिनिमम एज देखो, जब भी जैसे होता है ना 18 से 35 लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि ये मिनिमम है, मतलब क्या UR के लिए ये मिनिमम में आता है, मिनिमम मतलब ये कट ऑफ आप लोग का जाने, मैक्सिमम कट ऑफ जाने वाला है। मिनिमम आप लोग का क्या है, आप लोग का जैसे कि 3 साल 5 साल आप अलग से आप लोग जोड़ लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो UR के लिए कितना 18 से 30 है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया मिनिमम से मैक्सिमम ये दिया गया। उसके बाद देखो SC ST के लिए 5 साल हो गया तो 35 हो गया, OBC के लिए NCL के 3 साल कर दिया था 33 हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे कि PWD में यहाँ पर अलग लेवल चलता है, तो यहाँ पर 40 साल 45 साल 43 साल आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। सर्विस यहाँ पर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया गया भैया आप लोग को आरक्षण देखने को मिल जाएगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो भी है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब चीज़ लिखा गया एक सर्विस मैन के लिए। आप नीचे आइएगा थोड़ा सा तो यहाँ पर नॉट एज, यहाँ बोला गया कि भैया एज जो है आप लोग का 4/4/23 से आप लोग का 30 तक हो जाना चाहिए। अगर जनरल से हैं तो OBC से हैं तो 33 और SC ST से तो 35 होना चाहिए, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, एनीवेयर इन इंडिया, इन आउटसाइड इंडिया, कहीं भी आप लोग को भेज सकता है, आउटसाइड इंडिया भी भेज सकता है, एनीवेयर इंडिया कहीं भी जहाँ भी खाली होगा इसका प्रोजेक्ट चल रहा होगा वहाँ पर आप लोग को मेल कर दिया जाएगा। सर यहाँ पर आप लोग का पोस्टिंग हुआ है, आप लोग जाइए यहाँ पर अपना पद को संभालिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्यों है, देखिए टाइमिंग कम है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो 4/3/2023 से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ, 4/4/2023 लास्ट डेट 5:30 बजे तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिया गया कि भैया step 1 रजिस्ट्रेशन विथ email ID, उसके बाद सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डिटेल्स, उसके बाद से पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी ऑनलाइन इफ एप्लीकेबल C(4)(3)(4), ठीक है। डिटेल्स पूरा हर चीज़ यहाँ पर डिटेल में दिया गया, आप लोग इसको पढ़ लेना एक बार। मैं इसका लिंक अवेलेबल कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका लिंक अवेलेबल कर दूंगा, अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, हर चीज़, ठीक है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे आप लोग जैसे कि चूज ऑफ सेंटर, ठीक ना, सेंटर देख लीजिए आप लोग कहाँ रहने वाला आप लोग का, जैसे अगरतला हो गया, अहमदाबाद हो गया, अजवाल हो गया, यहाँ पर बेंगलोर हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, देहरादून हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे गंगटोक हो गया, ठीक ना, गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद हो गया, इम्फाल हो गया, ईटानगर हो, जयपुर, जम्मू, कोची, कोहिमा, ठीक है, यहाँ पे कोहिमा हो गया आप लोग का, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, पटना हो गया, पटना में भी है, बिहार के स्टूडेंट पटना में अपना ट्राई कर सकते हैं, रायपुर हो गया, रांची हो गया, शिलोंग हो गया, शिमला हो गया, पोर्ट बिरला बिरलार हो गया, यहाँ विशाखापट्टनम हो गया, ये तो बहुत दूर हो गया, ठीक है। जो भी कैंडिडेट जहाँ से नज़दीक पड़ेगा आप लोग का तो वहाँ पे आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा। आप लोग का रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, मतलब सॉरी ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, इंटरव्यू होगा, जैसे कि आप लोग रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद से आप लोग का हो सकता है छोटा मोटा एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद से आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। सरकारी जॉब है यार, यहाँ पर आप लोग को सैलरी तो बता ही दिया, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कितना सुख सुविधा मिलेगा ना, मत पूछो, नॉन रिफंडेबल में रहिएगा। जैसे कि पैसा आप लोग का जो ना पैसा जो 800 रुपये यहाँ लिया जा रहा है जनरल एंड अदर, मतलब जनरल और OBC के लिए, SC ST के लिए 1 रुपये नहीं यहाँ पे लिया गया, TWD के लिए, ओमेन के लिए 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा, ओके। तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं गवाइएगा। पैसा जो आप लोग को 800 रुपये लिया गया लिया जाएगा सॉरी, तो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रहेगा, पैसा आप लोग को नहीं दिया जाएगा सर, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन लिखा गया, सब चीज़ यहाँ पर डिटेल में लिखा गया, MCQ टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर पूरा दिया गया कि भैया हम जो है 65% आप लोग का टेक्निकल से रहेगा, और आप लोग का यहाँ पे 35% जो है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ठीक ना, जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK GS हो गया, ये सब चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेक्निकल क्वेश्चन क्या है आप लोग का जो ट्रेड है, जो ब्रांच है सॉरी, तो उसी से आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगा।
अब देखो यहाँ पे क्या है कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और तभी एग्जाम देना, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप लोगों को देना है, आप लोगों को पता ही है, वो सब चीज़ देखिए। नॉर्मलाइजेशन जो होगा यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया गया, इसको आपको ज़रूरत नहीं है और कुछ नहीं दिया गया। आप लोग जाकर जल्द से जल्द कोशिश करो क्योंकि टाइम आपके पास कम है, ठीक है। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो ना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।